A circle touches the sides, side BC of a triangle, ABC at P and touches AB, P and touches AB and AC produce at Q and R respectively. If AQ is equal to 5 cm, find perimeter of A. Yeah, okay. Find A. यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी. ठीक है, चलो अब आप फिगर में लेंगे. देखिए अ सर्कल टचेस द साइड बीसी ऑफ अ ट्रायंगल. सही है, यहाँ टच करेगा. अभी देखो इधर से देखिए सर पी पॉइंट AB and AC produce at Q. देखो ये प्रोड्यूस है, इधर को प्रोड्यूस है, ये प्रोड्यूस है. ये मैंने एरो लगा दिया, नहीं भी लगाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है ना, क्लियर है. अब आप करो, आपको क्या करना है, एक्चुअल में पेरीमीटर ऑफ एम ई टी आर में लिखा, मैं एम टी आर लिख दिया. हाँ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमको ये फाइंड आउट करना है. देखो यानी सर्किल सी ओ आर, सर्किल टच बी सी पॉइंट पी, पॉइंट पी का टच करता है. ठीक हो गया. अब यहाँ पे भी लिख रहे हैं, देखो ए क्यू इज इक्वल टू, देखो ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, ए आर द लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल टू टेंजेंट्स आर इक्वल ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट. उसके बाद जरा अब एग्जैक्टली जरा करिए, इसके बाद क्या आएगा, व्हाट पॉइंट बी क्यू इज इक्वल टू, देखो बी क्यू, बी क्यू इज इक्वल टू बी पी. आपका सेम जी, अब वही बताएंगे आप, सी आर पहले लिखो या सी पी पहले. सी आर पहले, क्या कल मैंने क्या बताया था, लेफ्ट राइट लेफ्ट. अगर यहाँ राइट है तो अब लेफ्ट आएगा, यहाँ लेफ्ट है तो यहाँ राइट आएगा. जब बी क्यू इज इक्वल आपने बी पी कर दिया, इसके बाद सी आर इज इक्वल आप क्या करेंगे, सॉरी सी पी इज इक्वल सी आर. बी क्यू क्या है ना सर, बी पी के, बी क्यू के लिए सी आर क्या, बी क्यू इज इक्वल आपने किया ना, तो फिर क्या बोला था, जब यहाँ लेफ्ट आएगा तो यहाँ राइट आएगा, यहाँ राइट आएगा तो यहाँ लेफ्ट आएगा. तो सी पी इज इक्वल टू सी आर, वही सेम एबव थ्योरम, सेम एबव थ्योरम जो है ना, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल अप ना ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट. ठीक हो गया सर. अब आप करोगे फोर्थ पॉइंट, इन ट्राइंगल ए बी सी आप कर दोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है सर, उसका पेरिमीटर. एग्जैक्टली, तो बोलो ना पेरिमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी. अब जरा देखिएगा क्या करो सर, बी सी की जगह लिखिए बी पी प्लस सी पी, बी सी की जगह ए बी आपका हो गया प्लस बी सी की जगह में क्या लिखो, बी पी प्लस बी पी प्लस बी सी PC, CP, okay. CP, हाँ, BP हो गया जो CP,
ऐसे आपका प्लस सी जी आप आप बदलो यहाँ पर ए बी प्लस बी पी आपका ए प्लस सी पी और प्लस सी हो गया ए बी प्लस बी पी की जगह मैं पटाया आपको राइट बी क्यू ऐसे क्या है प्लस सी पी इन प्लेस ऑफ सी पी पटाया आपको राइट सी आई और प्लस सी देख रहे हैं आप आर यू ओके अगर यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री ठीक हो गया बीपी इन प्लेस ऑफ बीपी आई हैव रिटन बीक्यू एंड इन प्लेस ऑफ आपका देखो सीपी आई हैव राइट सी ए बी प्लस बी क्यू इज व्हाट सर 5 सेंटीमीटर नहीं नहीं ए बी प्लस बी क्यू इज व्हाट ए क्यू हां प्लस सी आर प्लस सी ए इज व्हाट ए आर ए आर हो गया तो देखो अब आपका ए क्यू प्लस ए आर इज अगेन ए क्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन इज इट क्लियर नाउ आपका देखो दिस इज टू ए क्यू इज इट दिस इज कंटिन्यू 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 तो आपका नाम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू इंटू फाइव एग्जैक्टली आपका टू इंटू फाइव इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर ए क्यू देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आपका देखो ना टेन सेंटीमीटर इज इट क्लियर प्लीज डू इट